हाय गाइस, सो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं सस्टेनेबल डिज़ाइन को अपने डिज़ाइंस के अंदर। अगर आप एक कोई घर बना रहे हो या कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हो तो उसमें आप कैसे सस्टेनेबल डिज़ाइन को आप इंक्लूड कर सकते हो। तो जो सस्टेनेबल डिज़ाइन है वो काफ़ी एक हेलोस्टिक आपका अप्रोच है, जहाँ पे बिल्डिंग्स जो होती हैं वो एनर्जी इफिशियंट होती है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है और हेल्थ एंड वेलबींग के लिए भी अच्छी होती है। इसमें हम लोग काफ़ी एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि आपका सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए नहीं बल्कि कॉस्ट सेविंग भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसमें से मैं कुछ कुछ आपको बताते जाता हूँ। जैसे कि जो लाइट है, लाइट सोर्स आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप मैक्सिमम आप नेचुरल लाइट को आप यूज़ करिए, जैसे कि आपका स्काई लाइट जो होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, सोलर ट्यूब्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, बड़े बड़े आप विंडो यूज़ कर सकते हो जो मैक्सिमम टाइम आपका नेचुरल लाइट से ही जो इंटीरियर है वो लिट अप रहे। उसके बाद ये आपका जो आर्टिफिशियल लाइट है उसको काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करेगा और आपको जो नेचुरल लाइट है, वार्म्थ है विंटर के टाइम में, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। ये एनर्जी सेविंग भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इस तरीके से। उसके बाद अनदर एक वे है जो आप यूज़ कर सकते हो, वो एनर्जी के लिए हो गया कि आपका जो भी, अगर आप वहाँ पे मशीन ले रहे हो जैसे कि गीज़र ले रहे हो या कोई भी अप्लाइंसेस आप ले रहे हो, तो आप वो स्टार रेटिंग आप उसमें देख लो कि स्टार रेटिंग उसका क्या है। स्टार रेटिंग से वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इफिशियंट होता है और आपको इन लॉन्ग रन वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है। इवन आप हीटर जो हो गया वो आप सोलर हीटर आप लगा सकते हो, तो वो भी आपको हमेशा कॉस्ट सेव करेगा। उसके बाद आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि मटेरियल्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मटेरियल्स में आप वैसे मटेरियल यूज़ कर सकते हो जैसे कि आपका ग्लास हो गया, बैम्बू हो गया और प्लास्टिक्स हो गया, इस तरीके के जो आपके हो गए, जो प्लास्टिक, न्यू प्लास्टिक नहीं, मतलब जो रिसाइकेबल प्लास्टिक वाले जो रहते हैं, जो पुराने प्लास्टिक्स, उसको यूज़ करके भी आप काफ़ी सारे डिज़ाइंस आप क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो वेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है। ब्रोकन ग्लासेस होते हैं, जो पुराने प्लास्टिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें उससे काफ़ी सारे डिज़ाइंस बनते हैं और काफ़ी सारे कंपनीज हैं जो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं, तो आप वो सब यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आपका जो घर है वो काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली आपका हो जाता है और आपका काफ़ी ज़्यादा ये होता है हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, आपको इन अ लॉन्ग रन काफ़ी ज़्यादा पैसे भी सेव करके देता है। तो अगर आपको इस तरीके का कोई डिज़ाइन बनवाना हो, इस तरीके का डिज़ाइन एलिमेंट्स में आप इंटरेस्टेड हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी एक आर्किटेक्ट हूँ और इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, मेरा फर्म का नाम है साहू फाउंडेशन, जहाँ पे हम लोग हर एक तरीके का डिज़ाइन क्रिएट करते हैं और एक प्रोफेशनल हेल्प के साथ आप एक काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आप ले सकते हैं। हमारा वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं, साहू फाउंडेशन .com।